और राम राम जी, कैसे हैं? शायद आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों के सामने जो है गुड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आपने थंबनेल देकर जो है बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि फर्स्ट वीडियो जो है मेरा ही अपलोड हो रहा है। तो आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं बिल्कुल सही दे रहा हूं, एकदम सही है तो सही है, 100% सही है, क्योंकि आप लोगों का जो है इंतजार की घड़ी जो है क्या हो गई है, समाप्त हो गई। क्योंकि आप बहुत दिनों से जो है इंतजार कर रहे थे कि सर प्राइवेट कॉलेज का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का प्रकाशन कब होगा, यानी कि जो है आप लोगों के लिए जो है मैं ये इंफॉर्मेशन बता रहा हूं 100% जो है सत्य होने वाला है, बिल्कुल सत्य है। और आप लोग जितने फालतू का मैसेज करते हैं बिल्कुल आप लोग ना करें, क्योंकि हम लोग जितना मेहनत करते हैं आपके पीछे, समझिए कि अपना समय जो हम बर्बाद करते हैं आपके लिए बर्बाद करते हैं। आप इतना फालतू मैसेज करते हैं, इससे जो है थोड़ा सा बुरा लगता है। तो आप लोग जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट का नोटिफिकेशन हो गया है बिल्कुल जारी, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि प्राइवेट कॉलेज का जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट का प्रकाशन डेट फाइनल हो चुका है। क्योंकि आप लोगों के लिए जो है यह बेहतरीन वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहां आप देखेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड के द्वारा जो है यह नोटिफिकेशन जो है जारी हुआ है, यहाँ आप यह स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, या आप देखेंगे न्यू बहुत ही शानदार है आपके लिए है ये बिल्कुल, कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो है यह न्यूज आ रही है कि ईआरसीटी एनसीटी मान्यता प्राप्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से संबद्धता प्रपत्र गैर सरकारी संस्था में प्रशिक्षण सत्र 24 और 26 में नामांकन के लिए संबंधित डीएलएस संयुक्त परीक्षा 2024 उत्तीर्ण प्राप्त विद्यार्थियों से संबंधित प्रचार के लिए आवश्यक सूचना, यानी 24 सेशन 26 जो है हम लोग का यही है एडमिशन के लिए। तो आप लोग जो है इतना डिटेल्स जो है मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, क्योंकि इतना समय जो है आपको बर्बाद नहीं करूंगा। यहाँ देखेंगे पहला में बताया गया है कि गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्था नामांकन हेतु प्रथम चयन सूची होने की जारी, यानी कि आप यहाँ ध्यान देंगे कि आप लोगों का जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट कौन सा, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट, ओके, यहाँ ध्यान देंगे कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट, ओके, फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो है प्रकाशन डेट कितने तारीख को दिया गया है, तो 23/9/2024। मैं आप लोगों को कल वीडियो बनाया था उसमें बताया था 25 तारीख, लेकिन मेरे डेट से पहले ही जारी हो रहा है प्रकाशन डेट, ओके। उसके बाद यहां ध्यान देंगे हम, विद्यार्थियों द्वारा नामांकन पश्चात स्लाइड अप की प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की अवधि जो दिया गया है कितने दिया गया है, 24 तारीख से लेकर 28 तारीख तक दिया गया है। वही नामांकन अवधि कितने तारीख से है, 24 से लेकर 28 तारीख तक जो है आप अब एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद प्रशिक्षण संस्था द्वारा लॉगिन के अंतिम रूप की सीट अपडेट किया जाना, यानी 30/9/2024 तक कर लिया जाएगा। गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्था जिस विद्यार्थी का चयन प्रथम चयन सूची में कहीं भी नहीं होता है, उसके लिए नया विकल्प भरने अथवा पूर्व विकल्प में परिवर्तन करने की सीट रिक्त रहने की लागू किया जाएगा 1 तारीख से लेकर जो है 3 तारीख के बीच। अब जो है थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेंगे, आपके लिए बेहतर है। देखें एडमिशन का लिए नामांकन यानी एडमिशन का डेट जब है फाइनल कर दिया गया है कितने तारीख तक, तो 24/9/2024 से लेकर जो है 28/9/2024 तक जो है आप अपना एडमिशन ले लेंगे। कब, जब आपका फर्स्ट लिस्ट जारी होगा तब उसमें आपका नाम आएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो आप जो है एडमिशन ले लेंगे कितने तारीख से, 24 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच जो है आप एडमिशन लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है स्लाइडअप की व्यवस्था की गई है, स्लाइडअप की व्यवस्था कितने से कितने तारीख तक है, तो वही जो है स्लाइडअप की व्यवस्था जो है मात्र जो है आपका दिया गया है कितने तक, 28 तक ही स्लाइडअप की व्यवस्था है। और अंतिम सूची, ठीक है, अब यहां देखेंगे हम कि अंतिम जो है लॉगिन करने का जो है सीट जो है प्रशिक्षण अपडेट करने का डेट जो दिया गया है 30/9/2024 दिया गया है, ठीक है। अब जो है अब जिस बच्चे का जो है नामांकन नहीं हुआ है तो बीएसबी को जो है यह अपना चयन सूचित कब कर देगा, 1 तारीख से लेकर जो है 3 तारीख के बीच में जो है यह क्या करेगा, अंतिम रूप जो है विकल्प दे सीट बीएसबी को जो है सौंप देगा। उसके बाद जो है फिर जो है सेकेंड लिस्ट जो है जारी किया जाएगा। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का प्रकाशन डेट बिल्कुल जारी हो चुका है, 23 तारीख से जो है आप लोगों का एडमिशन होना तय है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर आप जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।